रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। घायल बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना खंडवा जिले के पिपलो थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सराय गांव की है। घायल बच्चे के परिजनों ने बताया कि गांव में कुछ लोग पड़ोस के खेत में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनका बच्चा वहाँ बैठ कर क्रिकेट देख रहा था। तभी गाँव के ही रहने वाले संतोष दुबे और लोकेश दुबे दोनों बच्चों के पास आए और बच्चों से कहा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ से जा। इसी बात को लेकर संतोष और लोकेश दुबे ने बच्चे के साथ मारपीट की और बच्चे को सिर में बेट से मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत पिपलो थाने में भी दर्ज कराई है। फिलहाल घायल बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इस मामले को लेकर घायल बच्चे के परिजनों ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते है। वहाँ जा खेल रहे थे क्रिकेट। कहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट? हमारे घर के पास थोड़ी दूर। कौन से गांव के थे? कौन से गांव के? सराय। क्या हुआ था, क्या पूरा बताओ। हमारा बच्चा बैठा था तो क्रिकेट खेल रहे थे तो बेटे को मार दिया। कौन ने मारा? वो आदमी है। नाम आदमी वाला उनका नाम मुन्ना। क्यों, वजह क्या है तो मारने की? मारने की वजह क्या है उसकी? कुछ कोई वजह नहीं, हमारा बच्चा तो अच्छा बैठ रहा था। कुछ तो करा होगा? नहीं कुछ नहीं, हमारा बच्चा खेलने वाला बच्चे को सारे खेल रहे थे, जाके बैठ रहा था, देख रहा था। कोई पुराना झगड़ा तो नहीं? कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पुलिस कंप्लेंट करवा दी आपने? आप कब? कल की घटना है। कितने बजे? 6 बजे शाम के। सर मैं ग्राम सराय का रहवासी हूँ और ग्राम सराय में ही मतलब खेती है उसकी। दुबे करके हैं संतोष दुबे और लोकेश दुबे। वो दरअसल ये है कि मैं खेत में गया था, 3 बजे की लाइट थी, पानी वाल रहा था और मैं घर पे नहीं था। बच्चों के मतलब वहाँ पे क्रिकेट चल रहा था उनके खेत में। तो वहाँ पे खेत में क्या हुआ, दरअसल कि बच्चे को बोला कि यहाँ मत आना बोले। अब सारे बच्चे खेले तो वो तो जाएगा बच्चे में खेलने के लिए। बोले एक बार कहा, दो बार कहा, बोले सुन नहीं रहा, बोले मार। तो उन्होंने बोला, फिर वो बच्चे नहीं माने बच्चे ही मतलब, तो उन्होंने बैट उठाया और बल्ले से मार दिया मतलब सर पे, तो सर फोड़ दिया यहाँ पे। उसको टाके आए, 2 से 3 टाके लगे हैं अभी, और अभी भर्ती है अस्पताल में। सर हम तो गरीब परिवार है, कुछ भी नहीं चाहते कि भैया थोड़ा सही साठ हो जाए हमारा बच्चा और उन पर कुछ पुलिस कार्रवाई करे, कुछ उचित उनको मतलब हमको न्याय भी मिले थोड़ा। सर पता नहीं ऐसा कुछ उसके अभी तक तो हमारे कितना लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं हुआ है, ना उनका हुआ है। बहुत दिनों से हम प्राइसी मतलब सामने आमने, उनका खेत है, हमारा पड़ोस में मकान है और सभी मतलब अच्छे खासे। उनके एक भाई यहाँ पे खंडवा में रहते हैं, उनका नाम भी है अपने, वो भी दुबे जी है, तो उनसे अच्छी परछाई है, वो अच्छे व्यक्ति है। लेकिन ये दो जो भाई है, लोकेश दुबे और संतोष दुबे, इन्होंने कल ये घटना कर दी मेरे लड़के के साथ में। और गाली गुप्ता में बोले मैं मार दूंगा ऐसा अगर मेरे इधर आया तो, उसका बच्चा तो जाएगा सर, बस यही कहानी है। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।